तो निधि सुनो, तुमने बोला है कि क्या सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहना, क्या ये सिर्फ शादीशुदा औरतों का अधिकार है? क्या ये विधवाओं का अधिकार नहीं है? ये बोला गया है निधि ने अपने लिए, ठीक है, क्योंकि वो एक विधवा है और उसने ये अभी सिंदूर लगाया है और लाइव मतलब वीडियो बनाई है और सिंदूर लगाते हुए, और वो अभी विधवा के रूप में है तो वो सिंदूर लगा के पता नहीं क्या ही समाज को दिखाना चाह रही है, क्या ही एक मतलब आगे वो जो हमारी जनरेशन है वो क्या ही सोचेंगी, क्या ही सीख लेंगी निधि से, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई गुना नहीं है विधवा होना, या विधवा के लिए ये नहीं है कि कुछ तुम पाप हो गए हो या तुम कलंकित हो गए, कुछ भी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जानते हो निधि, तुम पढ़े लिखे हो, ऐसी हरकतें करना नहीं अच्छा नहीं लगता जो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। जो ये सिंदूर है ये हमें बहुत सौभाग्य से ही प्राप्त होता है यार, शादीशुदा जो महिला है इसकी इसको बहुत मानती है, इसका इस मतलब इसका जो भी इसका क्या कीमत है हम जानते हैं, इसकी क्या कीमत होती है सिंदूर की, मंगलसूत्र की, पर तुम इसका मजाक बना रही हो, वो भी सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तुम इसका मजाक बना रही हो, कितनी बड़ी बात है। मतलब सिंदूर लगाना, कह रही है क्या ये सिंदूर लगाना क्या सिर्फ शादीशुदा औरतों का ये अधिकार है? क्या हम विधवाओं का नहीं है? मतलब क्या बोल रही हो? कल को तुम पेट में बच्चा लेके आ जाओगी और बोलोगी क्या ये बच्चे पैदा करना क्या शादीशुदा औरतों का अधिकार है, क्या हम विधवाओं का नहीं है? मतलब ऐसे कर लोगे? अगर तुम्हें सिंदूर लगाना, तुम एक बंद कमरे में सिंदूर लगा रहे हो और कह रहे हो मैं तो लगाऊंगी, मैं तुम्हें सड़ाऊंगी, मैं ये करूंगी, तो ऐसा करो ना, सिंदूर लगा के मंगलसूत्र पहन के जाओ मार्केट में, जरा घूमो, फिर पता चलेगा तुम्हें, समाज का फेस करो। जितने समाज समाज की बात करो ना कि समाज के ठेकेदारों का मैंने ठेका नहीं ले रखा, तो उसी समाज में जरा जाओ, जरा देखो, फेस करो उन लोगों को सिंदूर लगा के मंगलसूत्र पहन के। यार ये हमें बहुत मतलब ये चीज़ बहुत कीमती है हमारे लिए। मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ निधि, तुम्हें मैंने कभी आज तक ऐसी वीडियो बनाई नहीं कि मतलब मैं किसी के लिए या किसी को बुरा बोलती नहीं हूँ, पर तुमने क्योंकि हम भी सिंदूर लगाते हैं, हम शादीशुदा हैं और हम हिंदू धर्म से मतलब बिलोंग करते हैं, तो हमें ये चीज़ बहुत बुरी लगी है कि एक भाई विधवा का रूप हो आप ऐसे सिंदूर मत लगाओ। हमारे भी दिल पे ठेस पहुंची है जब आपने सिंदूर लगाया, तो क्योंकि सिंदूर की कीमत क्या होती है आपको भी पता होगा, सिंदूर क्या चीज़ है, आप लोग उसकी कदर ही नहीं कर रहे हो। अब उन विधवाओं की भी स्पेस मतलब विधवाओं को भी आप शर्मशार कर रहे हो जो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती हैं, जो अभी भी अपने मतलब जो अगर वो विधवा हुई हैं तो उनका वो पालन कर रही हैं कि उन्हें क्या ही करना चाहिए क्या नहीं। मतलब विधवा का मतलब ये नहीं कि आपकी आज़ादी छूट गई है या आपका फ्रीडम छूट गया या आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं है। आप बेशक से आप हम नहीं कहते कि आप सफ़ेद साड़ी पहनो और नहीं पहननी भी चाहिए, मैं भी नहीं कहती कि सफ़ेद साड़ी पहने या उन पे कुछ ऐसे ही उन पे कुछ उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से अपना फ्रीडम में रहो, आप दूसरी शादी भी कर लो, आप जीन्स पहनो, आपको जो करना है करो, आप मेकअप भी करो, आपको अलाउड है, आप कर सकते हो, ठीक है। पर ये सिंदूर लगाना ये बहुत गलत है, ये हम जितनी भी शादीशुदा महिला हैं उन सबके दिलों में ठेस पहुंची है। क्यों? क्योंकि आपने सुहाग का मतलब एक तरीके से आपने मतलब बेइज्जती करी है, आपके हस्बैंड मर गए हैं, आप तो उनके बारे में भी नहीं सोच रही, आप तो उनकी भी बेइज्जती कर रहे हो अपने मरे हुए पति की, ठीक है। अगर आप उनसे कहते हो ना मैं प्यार करती हूँ इसलिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ क्योंकि मेरा सनी मेरे साथ है मेरी धड़कनों में, अगर वो होते ना तो आप उनकी इज्जत रखती, ठीक है, ऐसे सिंदूर लगाई नहीं फिरती। कभी आप लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हो, कभी आप सड़कों पे अपना पति ढूंढते हो, मतलब क्या ही करते हो कुछ नहीं पता, ठीक है। बाकी तुम्हें जो भी करना है ना करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिव इन रिलेशन में रहो, आप सड़कों पर पति ढूंढो या जो करना है करो, पर हमारे सिंदूर को, ठीक है। और ये मतलब ये जो हमारा हिंदू मतलब हमारी संस्कृति है कि जो शादीशुदा महिला है वो सिंदूर लगाती हैं और मंगलसूत्र पहनती हैं, वो गलत तरीके से उसको यूज मत करो, ठीक है। आप अभी विधवा के रूप में हो, अगर आपको शौक है करने का, ठीक है, तो आप शादी करके करो। बाकी ये तुम्हारा सजने सुज ये खाली सजावट की चीज नहीं है कि आपका मन आया आपने इसको लगा दिया, आपका शौक हुआ आपने लगा दिया, या किसी को चिढ़ाने के लिए आपने लगा दिया, नहीं, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है सिंदूर, ये आपको भी पता है, आपको भी प्राप्त हुआ था, आपकी भी शादी हुई थी, ठीक है। और वो मतलब अगर वो नहीं रहे हैं सनी तो आप इस तरीके से मत करो कि आप सिंदूर लगा के इस सिंदूर का अपमान करोगे या हिंदू धर्म का अपमान करोगे, ये बहुत ही गलत चीज है और आप इस सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत मैसेज फैला रहे हैं। और आप कहते हो कि क्या कहते हैं कि पार्लर वाली ने लगा दिया, पार्लर वाली ऐसा नहीं है कि नेसेसरी है, अगर हम पार्लर में तैयार होते हैं तो जो पार्लर वाली होती है ब्यूटिशियन होती है वो इस सिंदूर को लगाए, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि वहाँ लगाना ही पड़ता है, ये आदमी जब हमारी शादी होती है तो वो ही लगाते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं,
तुमने कहा मैंने ब्राइडल मेकअप करा था तो मैंने ये सिंदूर लगाया है, चलो उस वक्त मैंने फिर भी मान लिया था, खैर गलत वो भी था, मैंने फिर भी मान लिया था, पर उसके बाद आपने दुनिया को प्रूफ करके दिखाई, ये देखो जी मैं तो लगा रही हूँ, चढ़ लो सड़ लो सड़ने वाले, ये गलत है, ये बहुत गलत है, ठीक है, ऐसा ना करें। आपको आपको बाकी जो भी काम करना है, आपकी जितनी भी वीडियो है बाकी सब ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, आप कोई सी रिलेशन में रहो कोई दिक्कत नहीं, पर आप ऐसे सिंदूर नहीं लगा सकते हो, ये बहुत गलत है। बाकी हम आपके हाथ तो रोक नहीं सकते हैं, ठीक है, आपको जो पसंद करते हैं वो भी आपके प्रति आप क्या ही सोचेंगे और क्या ही आप मैसेज दे रहे हो, हम जितनी भी शादीशुदा महिला है हमको ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है, आप ऐसे सिंदूर लगा रहे हो, आप बेइज्जती कर रहे हो एक तरीके से सिंदूर की या हमारे कल्चर की, ठीक है, हमारे समाज की बेइज्जती कर रहे हो। और भी जितनी पुरानी औरतें हैं बुजुर्ग हैं वो क्या सोच देखती हो, आपकी वीडियो वो भी देखती हैं तो वो क्या ही सोचती होंगी आपके बारे में, मतलब आप क्या कर रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो आप समाज को, आप विधवा के रूप में हो इस वक्त, ऐसे ना करो, अगर आपको करना है आप शादी कर लो, आप और भी अच्छे से काम कर सकते हो, अगर आपको व्यूज पाना है तो सिर्फ ये सिर्फ खेल खिलौना नहीं है यार, ठीक है, ये सिर्फ खेल खिलौने नहीं है कि सिंदूर लगा लो मंगलसूत्र पहन लो बस व्यूज पाओ, आप विधवा हो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता। बाकी आप इसको मतलब उस चीज में मत लो कि हाँ मेरे को लोग टारगेट कर रहे हैं या मेरे को, तुम खुद चाहती हो तुम्हें लोग करें, बाकी मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाती हूँ, सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि ये चीज़ें करना बंद करो, आप ये सिंदूर वंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनना इतना ही शौक है तो यार शादी कर लो, ठीक है, बिना शादी किए ये तुम कर रहे हो, क्या ही मैसेज दे रहे हो समाज को, अपने व्यूवर्स को क्या ही मैसेज दे रहे हो, बहुत गलत लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है ये सोशल मीडिया पर, और तुम जो चिढ़ा चिढ़ा के लगा रहे हो ये बहुत गंदा है, क्योंकि हम इसको बहुत इज्जत से लगाते हैं, बहुत हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये प्राप्त हुआ है, और आप इसका बेइज्जती कर रहे हो, अनादर कर रहे हो, ये बहुत गलत है, तो ये करना छोड़ दो निधि, और तरीके से व्यू पाओ, आपको बहुत अच्छे से व्यू मिल सकते हैं, पर इस तरीके से व्यू पाना बहुत गलत बात है, ठीक है, आप जितनी भी लेडीज हैं इस चीज़ से अगर सहमत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि निधि की दुनिया है वो इस चीज़ को ठीक कर रही है कि नहीं कर रही, वो एक वीडियो हो के कि मैंने माना हमने उसके साथ बहुत बुरा हुआ, वो बहुत कम उम्र में वीडियो हो गई है, और भी काफ़ी लेडी है जो हुई हैं जो मेरी जानकारी में है जो हुई हैं, पर ऐसा काम तो नहीं करती ना यार कि वो सिंदूर लगा रही है, ठीक है, मंगलसूत्र पहन रही है और ये कह रही है कि हमारा अधिकार है लगाना, यार विधवाओं का कहाँ से अधिकार बन गया, उन्होंने कौन सा ये नया ही कानून बना दिया है, मतलब व्यूज़ के लिए सोशल मीडिया में आने के लिए छाने के लिए कुछ भी बदतमीजी करती फिर रही है, ये चीज़ गलत है, ठीक है, और भी है मेरी फ्रेंड है अंजू कुंडल है, वो भी इस तरीके की वीडियो नहीं बनाती है, ठीक है, और लक्ष्मी की दुनिया ने शादी कर लिया, तुम भी शादी कर लो, वो तुम्हारी फ्रेंड है, ठीक है, शादी करके एंजॉय करो, जो तुम्हें करना है सिंदूर लगाओ यार अच्छा लगेगा, पर इस तरीके से नहीं, एक बार पति मर जाता है तो इस तरीके से नहीं लगाया जाता, दोबारा शादी करके ही लगाया जाता है, तुम इसको खेल खिलौना मत समझो, ठीक है, अपने व्यूज़ पाने का मुद्दा सिर्फ सिंदूर को मत बनाओ, सिंदूर की बहुत बड़ी कीमत है जो आप नहीं समझ रही हो, ठीक है, बाकी तुम कहते हो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, क्या आईएएस की तैयारी कर रही थी, तुम्हें तो कुछ कुछ पता भी नहीं है, तुम क्या तैयारी करोगी, मुझे तो नहीं लग रहा तुम पढ़ी लिखी भी हो, अगर पढ़ी लिखी होकर इस तरीके से बातें नहीं करती, ठीक है, बाकी जितनी भी लेडीज़ हैं शादीशुदा महिला, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, अगर आप सिंदूर की मंगलसूत्र की वैल्यू समझते हो कि क्या है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं ये सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही, बाकी निधि जो भी करे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, और कोई रिलेशन में रहे या कुछ भी डांस करे या कुछ भी करे, मुझे रियली में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर सिंदूर की पास से मुझे रियली में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती यार, क्योंकि हमारा भी सुहाग है यार, हम बड़ी खुशी से अपने इस मांग को भरते हैं कि आप समझ रहे होगे, ठीक है, और वो इस चीज़ को बस खिलौना समझ के उसको यूज़ कर रही है, उसको फैला रही है और कह रही है बस मैं तो लगाऊंगी, कल को तो तू कुछ भी करके आ जाएगी निधि और कहेगी कि मेरा अधिकार है ना, समाज पे तुम ये मैसेज गलत फैला रहे हो, पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी गंदी बातें कर रहे हो सोशल मीडिया पर, तो ये फालतू फन की चीज़ें करना बंद करो निधि, और ये सिंदूर वंदूर लगाना मत बंद करो, हमारी फीलिंग्स के साथ मत खेलो, क्योंकि ये चीज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि आप ऐसे सिंदूर को लगा के मजाक कर रहे हो कि मैं तो लगाऊंगी, मैं तो विधवा हूँ, अरे कुछ तो शर्म करो, विधवा ही सिंदूर लगाती हैं, मतलब तुम क्या कह रहे हो, क्या लोगों को मैं क्या बोलूँ, बस ये चीज़ करना बंद करो निधि, मेरी ये तुमको वार्निंग है, ये चीज़ बहुत गलत है, तुम बहुत गलत मैसेज दे रहे हो समाज को, और भी विधवाएं तो उनको भी शर्मसार कर रही हो, तुम्हारी एक बदतमीजी की वजह से वो कितनी जो विधवाएं हैं बेचारी वो भी क्या सोचती होंगी, तुम्हारी वजह से औरों को भी दिल में ठेस पहुँच रही है और हम जैसे को तो पहुँच ही रही है, इसकी वैल्यू करो, इज्जत करो इसकी, ठीक है, इज्जत नहीं करा जब भी आपके हाथों से ये चीज़ ये सुहाग जो है छिन गया है, इसकी इज्जत करो,